हेलो दोस्तों, मैं विभा आपका अपने फ्लेवर फिश 24x7 चैनल में स्वागत है। आज हम आपको ग्रेवी वाली मैगी बना करके दिखाएंगे। मैगी तो आपने बहुत तरीके से खाई होगी, लेकिन ये इतना टेस्टी और लेटेस्ट चीज आपको हम बना करके दिखाएंगे कि आप कहेंगे मैगी है कि कुछ और है। इसको हम बनाते हैं, आप देखिए किस तरीके से बनाएंगे। ये ग्रेवी वाली मैगी है, अक्सर हमारे यहाँ बच्चे बनाते हैं और खाते हैं, क्योंकि जब इसको हम पतला करने की कोशिश करते हैं तो इसमें से पानी पानी अलग हो जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं रहेगा। ये लिक्विडी भी रहेगी और आपको टेस्टी भी लगेगी, पानी जैसी नहीं लगेगी खाने में। अभी हम आपको ये तीन चीजें दिखा रहे हैं। आप इसमें गाजर भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो जो मेरे पास सामान है वो मैं आपको दिखा रही हूँ इसी में बना करके, और आगे आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये हमने छोटा साइज का प्याज लिया है, और ये हमारा शिमला मिर्च है जो आधा लाल है और आधा हरा। हमने सोचा दोनों मिक्स डालें, और वैसे हरा भी रखा हुआ लेकिन हम मिक्स वाला डालेंगे। ये हमने तीन पैकेट मैगी ली है, आप कितने भी पैकेट ले सकते हैं उसी के हिसाब से मेजरमेंट अपना कर लें। और जो भी हम सामान इसमें डालेंगे वो भी आपको हम दिखाते रहेंगे। पहले इन चीजों को हम कैसे कट करना है आपको दिखाते हैं। अब ये हमारा प्याज है, इसको हम कैसे कट करेंगे आप देखिए। इस तरीके से हमको इसको छील लेना है दोनों तरफ से। छोटा ही प्याज ले, नहीं छोटा है तो आप बड़ा लेके उसके 8 कलियां बना करके और फिर उसको अलग अलग करें। ये देखिए आप इस तरीके से आपने अलग कर लिए। आपको इसी में हम दिखाई दे रहे हैं, और इसको आप साइड में रख दीजिए। अब इसको हमें इस तरीके से अलग करना है, और ये वाला जो है पार्ट है इसको भी आप हटा दीजिए, बीसी ये पार्ट भी हटा दीजिए। आपका अगर थोड़ा सा प्याज बड़ा है तो आप जो है उसको अलग अलग पीस भी कर सकती हैं। ये 4 पीस आप इसके बना लीजिए अगर आपका ज्यादा बड़ा पीस है, नहीं तो आप ये 2 बना लीजिए। हमने ये 2 पीस में बनाया है, ये देखिए इस तरीके से वो सब अलग अलग कर लेना है। इसी तरीके से सारा प्याज आपको कट कर लेना है। आपको बड़ा पसंद है तो आप बड़ा डालिए, नहीं तो आप छोटा भी डाल सकते हैं, ये अपनी इच्छा पर है कि आपको कैसे डालना है। इस तरीके से सारा प्याज आपको कट कर लेना है। अब इसी तरीके से हम शिमला मिर्च को भी कट करेंगे। इसको हम इस तरीके से, आपको जितनी शिमला मिर्च पसंद हो आप डालिए, और नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हम आपको अपने हिसाब से बता रहे हैं, आप कोई भी चीज बनाए आप अपने हिसाब से बना ले। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको भी हमें ऐसे ही काटना है, बहुत बड़ा भी पीस ना हो और बहुत छोटा भी पीस ना हो, इस तरीके से। देखिए कितना चौड़ा हमने लिया है, ये आपके ऊपर है, हमने इस हिसाब से लिया है इतना चौड़ा। अब इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, बहुत बड़ा लेंगे तो पकने में भी दिक्कत होगी। वैसे भी ज्यादा सामान इसको पकाना नहीं है, लेकिन फिर भी एकदम से कच्चा रहेगा वो भी टेस्टी नहीं लगेगा। ये देखिए ये साइज रखेंगे इसका, इसी तरीके से आप कट कर लीजिए, फिर हम दिखाते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया है, प्याज को भी कट कर लिया, शिमला मिर्च को भी कट कर लिया। अब हम बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें डालना है और कैसे बनाना है। अब इसके लिए पहले हम एक ग्रेवी तैयार कर देंगे, वो आपको दिखाते हैं। इसमें हम ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेंगे, ये देखिए 2 चम्मच है, और इसमें हम करीब 1 टीस्पून टमाटो सॉस डालेंगे, और 1 टीस्पून जो है हम इसमें चिली सॉस डालेंगे। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे 1/4 चम्मच, और इसी में हम, यदि आपके पास है सेजवान सॉस तो आप डाल दीजिए, यदि नहीं है तो ये कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो आपके पास है आप उसी से बनाइए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको इस तरीके से ग्रेवी की तरह से मिक्स कर देंगे, इसको थोड़ा सा पतला पतला।
घोल देंगे। नॉर्मल पानी से आप घोलिए इसको, इसको ठीक से घोल दीजिए जो सब इसमें घुल जाए, और इसी में थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड करेंगे जिससे कि उसका कलर चेंज हो जाए मैगी का। इसको ठीक से घोल दीजिए। अभी इसमें पानी और थोड़ा डालेंगे, लेकिन हम आपको फिलहाल अभी उसमें बनाएंगे तब डालेंगे, आपको दिखाएंगे कि कितना पानी हम डालेंगे, क्योंकि अभी हो सकता है आप बनाने लगे और आपसे ज्यादा हो जाए, तो पानी हम आपको बीच में बता देंगे कैसे बढ़ाना है या कितना डालना है। ये देखिए ग्रेवी हमारी बन करके रेडी हो गई है, और जो मैगी के साथ मसाले निकलते हैं उनका भी यूज हम आपको बताएंगे अभी। अब हम गैस की तरफ चलते हैं, उसमें बनाएंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से पैन ले लिया है, ये आप देख सकते हैं हमने पैन लिया है, और पैन में हम बटर डालेंगे। ये हमने अमूल का बटर लिया है, यदि आपके पास बटर नहीं है तो आप कोई ऑयल यूज कर लीजिए। ये देखिए मक्खन गरम हो गया है, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। गैस को मीडियम रखिए आप, अब इसको हल्का सॉफ्ट करना है। यदि आपके पास मक्खन होगा तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, यदि रखा है मक्खन तो आप प्लीज उसी को यूज कर लें, और नहीं तो आप कोई रिफाइंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अभी हमें इसमें कोई मसाला नहीं डालना है, और इसी के साथ में हम ये शिमला मिर्च भी डाल देंगे, इसको भी फ्राई कर लेंगे। ये काफी टेस्टी मैगी बनती है। आप अगर दो लोगों की बना रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप चार लोगों को पांच लोगों को खिला लेंगे, इतनी ज्यादा बन जाती है। दूसरी बात, इसमें स्वाद बहुत रहता है। अगर एक बार आप बनाएंगे ना, चाहे तो आप इसमें, जैसे किसी के घर में बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो आप न सब्जी डालें, प्याज खाते हो तो केवल प्याज डाल दें, और यदि खाते हैं तो आप सारी सब्जियां डाल सकते हैं, नहीं खाते हैं तो आप ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए जो हमने इसमें सामान ऐड किया है आपको डाल देंगे तो बहुत टेस्टी बन जाएगी। अब बिल्कुल टेंशन नहीं, बहुत अच्छी बनती है, इसको हम ज्यादातर बच्चों के लिए बनाते हैं। अब थोड़ा सा इसको हल्का सा सॉफ्ट हो जाने देंगे। ये देखिए लगभग सॉफ्ट हो चुका है, अब हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या यूज डालना है। देखिए आप नमक हमने इसलिए मना किया है आपको कि अभी इतना नमक पड़ा हुआ है सभी चीजों में, बाद में आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, टेस्ट जरूर कर लें, उसके हिसाब से ही आप नमक डालें। अब हम इसमें जो ये हमने मैगी निकाल करके रखी है उसको डालेंगे। गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल धीमा कर दीजिए, इसको तोड़ भी सकते हैं, हमने नहीं तोड़ा है, आप तोड़ के भी डाल सकते हैं, छोटा छोटा कर लें। अब इसमें ये जो हमने मसाले जो मैगी में निकले हैं वो डालेंगे। ये देखिए आप इस तरीके से इसमें हम तीन पैकेट का बना रहे हैं, इसलिए तीन पैकेट निकले हैं, और ये हमारा एक मैगी मसाला जो आता है पैकेट वो है। अब इसी में हम थोड़ा सा अजीनोमोटो भी डालेंगे, दो पिंच है ये लगभग। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, टेंशन फ्री होकर बनाएं, जो भी घर में होता है उसी चीज से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर टेंशन लेके बनाएंगे अरे ये नहीं डाला वो नहीं डाला तो चीज खराब हो जाएगी। अगर मन से बनाएंगी, खुशी से बनाएंगी, तो जितना सामान आपके पास है उसी में ये बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी। कोई भी चीज हो, जिस तरीके से मन से बनाएंगी उसी तरीके से अच्छी बन जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, क्योंकि अभी मैगी को पकना है, इसलिए वो ग्रेवी का काम बाद में है, पहले जो है आपको यही करना है, मैगी को आपको इसी के साथ में सॉफ्ट कर लें। अब मैगी पकती है, इसको ढक देंगे हम, इसको देखते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये पक चुकी है, ये देखिए। इसीलिए हमने कहा था आपको सामान ज्यादा सॉफ्ट करने की जरूरत नहीं है, शिमला मिर्च और प्याज वो खुद ही हो जाएगा। अब देखिए आप बिल्कुल बनकर रेडी है, अब हम इसी में ग्रेवी डालेंगे।
यदि आपको ग्रेवी बढ़ानी है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं, जैसे आपको ज्यादा बनानी है तो आप ज्यादा डाल दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। गैस की फ्लेम को धीमा रखिए। ये देखिए कलर भी काफी सुंदर आया है इसका, आप देख सकते हैं सब बिल्कुल अलग अलग है। आप अपने हिसाब से इसको पकाइएगा, नहीं तो गल जाएगी। ये देखिए इसको अब ज्यादा खौलाने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप इसको कर दीजिए कि इसका कॉर्नफ्लोर जो है वो पक जाए, उसमें कच्चा पन्ना लगे। देखिए आप लिक्विड भी है इसमें और मैगी भी है, वैसे तो आप बनाएंगी तो वो सब पानी पानी जैसा अलग हो जाता है। हमारे तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसमें गाढ़ापन रहता है। अगर आपको लगता है मैं और ग्रेवी बढ़ानी चाहिए तो थोड़ा सा पानी बढ़ा दीजिए, कॉर्नफ्लोर बढ़ा दीजिए, ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा होगा। मैगी वैसे भी गर्म ही अच्छी लगती है, ठंडी नहीं अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं इसको ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, ये खाने में देखने से ज्यादा अच्छी लगेगी, जितना देखने में नहीं लग रही उससे कहीं ज्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं इसको, आपको सर्व करके दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए आप बिल्कुल अलग अलग बनी है। और आप चाहें तो इससे ज्यादा इसमें पानी डाल करके आप और भी इसको पतला कर सकती हैं, ये आपके ऊपर है। हमने ज्यादा इसको पतला नहीं बनाया है, ये ग्रेवी आपके ऊपर है कि आप कितना गाढ़ा और कितना पतला रखना चाहती हैं। और कितनी अच्छी तरीके से ये बन गई है आप नजदीक से देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग अलग है। इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको कि सब एक में चिपक गई, बस बनाने पर है कि आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपने कितना इसको कुक किया है। बस इसको 80-90 तक ही कुक करिएगा, उसके बाद में इसमें ग्रेवी डाल के फटाक से हटा दीजिएगा। यदि गल गई तो फिर आपको दिक्कत होगी। आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती है प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।